जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़कर साधन यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह जिज्ञासा, यह इच्छा जागृत रहनी चाहिए। भगवान कैसे मिले, यह तीव्र इच्छा हर समय जागृत रहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति का उपाय इस तीव्र इच्छा से अपने आप मिल जाएगा। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान के बिना दूसरी चीज से काम नहीं चलता है। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं, ये उल्टे बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा होनी चाहिए, असली लगन इस प्रकार की होनी चाहिए कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में, तन मन दीजे खोए। जब यह बात समझ में आ जाती है कि भगवान के समान कोई चीज नहीं है, तब उनको पाने की तीव्र लालसा जागृत हो उठती है। रुपये तीव्र इच्छा होने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि रुपये जड़ हैं। आप में तो उनको पाने की इच्छा है, परंतु रुपयों में आपको पाने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। बिना तार टूटे नित्य निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ हैं, विलंब का काम नहीं। भीतर की लालसा से ही ऐसी स्मृति होती है। रुचि तीव्र होनी चाहिए, रुचि से लालसा, उससे लगन और लगन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई भी मिले उससे पूछें कि भगवान कैसे मिलें। जब तक ना मिलें तब तक यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए। एक भक्त थे, उनका यही हाल था। हर बादल को देखकर चातक की तरह पुकारना, कैसे मिलें, यही लगन लगी रहती थी। एक साधु ने कहा, भगवान से मिलना हो तो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपो। उसने शुरू कर दिया। दूसरा साधु मिला, उससे फिर प्रश्न किया, भगवान कैसे मिले। उसने कहा, उपवास करो। वह उपवास भी करने लगा। एक तीसरे साधु ने कहा, नाम जप किया करो। वह यह काम भी करने लगा। चौथे ने कहा, जप के बाद ध्यान भी करना चाहिए। वह बोला, ध्यान नहीं होता। तब साधु ने कहा, प्राणायाम से ध्यान होता है। उसने प्राणायाम भी शुरू कर दिया। एक और सज्जन मिले, उन्होंने कहा, इतना सब करते हो, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे। वह बोला, जीवन भर खोज करता रहूँगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो अवश्य मिलेंगे। बस उसी सज्जन में से भगवान प्रकट हो गए। वे भगवान ही थे, परीक्षा करने आए थे। हम लोगों को भी यह जोरदार निश्चय रखना चाहिए, भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो निराशा कभी नहीं होगी। जो भगवान के भरोसे पर रहता है, उन पर निर्भर रहता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। विलंब तो हमारी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं, हमारी लालसा को और भी तीव्र करने के लिए ही भगवान हमें तरसाते रहते हैं। हमें अपनी लालसा को हर समय बढ़ाते रहने के लिए सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए। लालसा का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता, उस वृक्ष की रक्षा भगवान करते हैं। देखने में न भी आए तो भी विश्वास करना चाहिए। जब भगवान रक्षा करते हैं, तब किसी की सामर्थ्य है जो उनके भक्त की पूंजी का नाश कर सके। भगवान की ओर देखकर यह विश्वास करें कि वे अवश्य मिलेंगे। भरत की तरह निश्चय रखो, प्रभु आपकी ओर देखकर मुझे विश्वास होता है कि
कि आप मुझे अवश्य मिलेंगे। जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। भगवान अगर विलंब करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान से मिलने की लालसा को बढ़ाते ही रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं,